मॉर्निंग गाइस, आज तो एक स्वागत है मैम पार्टी बॉक्स में। वो सही बढ़िया होंगे, बढ़िया नीचे। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, 7:30 होने वाला है। और मैं घर के पीछे, ये देखो बड़ा आम का पेड़ है ना, इसमें आम आता रहता है। जब जून के टाइम आता है ना, मैं जब आमों का सीजन था, जून जुलाई में रहता है, उससे हमने इसमें से बहुत आम खाए मैंने। ये पीछे साइड दीदी और के घर का। और जी जो तो चले गए 4 बजे, आज ही सुबह 4 बजे वहाँ शादी में गाजियाबाद साइड साइड हाँ उधर ही साइड है। दीदी भी जाएगी अभी 9-10 बजे तक। दीदी तेरा क्या प्लान बनता है? नहाना है, कपड़े वपड़े धोने इधर साइड है। दीदी और ने इधर प्याज पूछ, लहसुन लहसुन प्याज पूछ सब पका दिया उधर साइड तक। ये सारा दीदी और का, आधा किसी और का, आधा इन दीदी और का। और ये प्लान दीदी और के घर में, और हर चीज़ के प्लान लगा रही है सब ने। सब ने मतलब दीदी ने और ने लगा रही है ना। गौ माता आ रही है, उसको मैंने रोटी दी अभी। और धूप भी आज आने वाली है थोड़ी देर बाद। दीदी वीदी जा चुकी है अभी, जस्ट अभी जा रही। अब ये है इसमें लोअर पहनने के लिए, आ रही है टी शर्ट मेरी। और अभी तो मैंने गीजर ऑन किया हुआ है, पहले नहाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी देख सकते हैं मनपाड़ी ब्लॉग को, कैसा लगा? जरा पानी गर्म होता है, जस्ट अभी किया तो आधा 15-20 मिनट लगेंगे थोड़ा। तो अभी नहा के मिलते हैं आपको, ठीक है? कपड़े भी धोने हैं अभी, यही वाले जो पहने हुए ना, इनको ही धोना। तो मिलते हैं बाद में, तब तक ले। तो गाइस तुमको एक चीज़ बताऊँ मैं, ठीक है? कमेंट करना कैसा लग रहा, ठीक है? ये देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताना, ठीक है? झूठ क्यों बोले यार, तुम्हारा मन पाड़ी ब्लॉग लगता तो झूठ है, बाकी तुम बता दे वो नहीं कमेंट में, ठीक है? कैसा लग रहा हूँ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है मेरे को? तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी आ रही है कोई, आप समझ सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस वाले मेरे समझ सकते हैं कि कौन आ रही। तो अभी सिद्धवली जाने का प्लान है, तो देखते हैं। तब अगर जाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी साइकिल लेके भी आना है कल, उसका पीछे वाला टायर का, वो जो एंटी टाइप की नहीं होती है, तुमको पता होगा जो लगती है शायद, वो निकल गई है। तो उसको बनाने के लिए उसने बोला कर लीजिए। तो आज 10:30 बजे तक का टाइम दिया, 10:00 बज के तब जाते हैं उसकी दुकान पर, तब साइकिल उठाते हैं वहाँ से, ठीक है? शायद मेरा टाइम थोड़ा क्लियर नहीं, ठीक लग रहा ना? तो अभी मिलते हैं आपको। तब का घर का रूम टूर ही ना भूलिया, ये वाला कमरा जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है? ये 80,000 के, क्या बोलते हैं इनको, अरे सोफा सेट, मतलब ये 10,000 के, मतलब 10,000 के 80,000 के सोफा सेट हैं पूरे तीनों के तीनों। उधर पड़ा मेरा बैग, किताबें हैं। अरे देखो, अरे ये है मेरी जीजा और की फैमिली, ये रही मेरी दीदी, और ये बड़े वाले भैया, फिर ये सबसे छोटे वाले, मतलब छोटा वाला, ये रहे जीजा जी। पहले बढ़िया लगते थे जीजा जी, अब थोड़ा कमज़ोर हो गए। ये उनकी फैमिली फ़ोटो पूरी। अरे ये वाला सेंट में लगा के जग गया हूँ। ये देखो मेरे जीजा जी ना, यहाँ लिखा हुआ पुलिस है, बट मेरे जीजा जी, मेरे को इतना पता कि मेरे जीजा जी वो हैं आर्मी। ये टेडी बियर रखा हुआ है एक, ये भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई है, ये शायद ये विनीत भैया लेके आ रहे थे जीत के ट्रॉफी। इस पर लिखा भी कुछ नहीं है ना, कैसे पता चलेगा? ये रे टी वी, यही है। और इधर है दीदी वालों का कमरा, दीदी जीजा वालों का कमरा। तो मैंने बोल दिया था उन्हीं को कि कमरे पे ताला लगा के आप चले जाना है ना। तब ये बाथरूम, और एक यहाँ पे बेड लगा हुआ है, ये बरांडा, ये रहा किचन, ये रहा किचन, सस्ता था किचन बोलते इसको। और फ्रिज में कुछ तो रखा है नहीं, ये सब रखा हुआ गोभी गोभी, जो शाम को मैं दिन में आके बनाऊंगा घर में, ठीक है? और इधर भी सेम वही है, बट इधर दीदी ने किराए पे दे रखा ना घर, आधा घर किराए पे, मतलब जैसे 2 कमरे इधर है, 2 कमरे भी उधर ही है, और एक किचन है, एक वो है बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम। ये बाहर का नज़ारा कुछ, ठीक है? अभी चलते हैं, अभी आपको मिलते हैं, ठीक है?
गाइस मैं घर से निकल चुका हूँ, जूते जूते पहन लिए जूते, और अभी जा रहा हूँ मैं एटीएम में, मेरा पैसे निकाल रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे फिर। तो अभी जा रहा हूँ एटीएम ही मैंने बगल में, अभी मिलते हैं आपको। गाइस आ चुका हूँ मैं एटीएम में। बे ये तो 500 रुपये मांग रहा है यार। हमको हमारी धन्य। अरे यहाँ पे मैं मानपुर में, यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है यहीं पे हूँ, इससे पीछे हूँ थोड़ा, तो जा रहा हूँ अभी, तो मिलते हैं आपको बाद में। ठीक है झंडा चौक में, ये रहा झंडा चौक, ऊपर मैंने साइकिल खड़ी कर दी और अभी आ रहे हैं दोस्त लोग, अभी जा रहे हैं हम झंडा चौक में पहुँच गए, अभी मिलता है आपको बाद में। बोली में 10-10 रुपये दे दिया मेरे को दे रहा 10 रुपये ओ छोटे दे रहा हूँ पक्का। घर पे तूने बहुत रखे हुए हैं वो ले रख ले रख ले। ठीक है बाय बाय। देख लो बेटे हमको पैसे देने वाले बहुत अमीर अमीर, तेरे को दिखा भी नहीं रहा सक रहे तेरी बढ़िया इंस्टाग्राम वाली यार व्हाट्सएप वाली फैमिली को मेरे को पता है, फेसबुक वाली तो वही चीज पता है। पहुंच गया हम सीधे। अंकल क्या कर रहे हैं अंकल? गाइस आ चुके हम, यह देखो बुकर, ये अभी ये जो दो पूरी दिखाई देने यही लेके जाएगी अभी। आज सुनसान और कब सिद्ध बोली भाई, मिलता आपको उसको खाने के बाद। तो गाइस घर पर आ चुके हैं, ये देखिए किचन में अपने लिए बना रहा हूँ चावल, क्योंकि एक आदमी है तो ज़्यादा भी ना ले रहा हूँ, मुझे मेरा मतलब पता नहीं क्या। और अभी अंडे लेके आ रहा हूँ मैं, प्याज व्याज मैंने काट दिए तो अभी आपको। तो गाइस ये मेरे अंडे अभी लाया, जस्ट अंडे लाया, 6 अंडे हैं और 5-6 आलू हैं, तो इनको रखते हैं गैस में, इनको अभी जरा 1-2 सीटी मारते तो अपने आप पक जाएंगे, तब और मिलता आपको। तो गाइस हम आ चुके, ये मेरे आधे अंडे मैंने उबाल मतलब उसा दिए, उसके बाद इनको थोड़ा ब्राउन कर रहे, ये चीन ये रहा चीन कर दिया मैंने, आलू मैंने दच्छी लिए, इनको जरा वो करेंगे ना, इनको अभी जरा वो करना पड़ेगा ना, दबा के ना ऐसे करना पड़ेगा बारीक सा, अभी करूँगा ना इसको, पहले मैं इनको तल देता हूँ अभी। गाइस आज हूँ मैं 80,000 के सोफा सेट में, और ये बन गया मेरा खाना, अभी एक अंडा ला रहे हो क्योंकि भूख वैसे कम है, बट देखते हैं कितना खाते हैं यार, 2 मिर्ची लग रही है, इन्जॉय कर रहा हूँ टीवी यार, ये नहीं देखना ना क्या रहे हैं माँ बेटा तो यो। ए सीआईडी देखेंगे गाइस, बहुत दिनों बाद सीआईडी देखेंगे, अरे खाना खा के मिलते हैं बर्तन भी धोने बेचारे, क्या करना लाइफ में सब कुछ करना चाहता, सब कुछ करना पड़ता, मैंने तो खैर घर में करा हुआ है, मेरे को तो कोई टेंशन है नहीं, तो अभी ज़रा इसको करके मिलते हैं आपको। ठीक है बाकी क्योंकि लेट हुआ था यहाँ पे सर कैमरा, ठीक है अभी उठा दो, अभी बर्तन धोए मैंने, ये रहे बर्तन, बाकी कुछ काम है नहीं, इधर किचन में जा रहा हूँ, सामने पेन होगा थोड़ा ना, तो उसके लिए जरा चाय चूय बनाते हैं, बर्तन का ही चाय वाला हेरा, एक आदमी तो हूँ ही मैं, थोड़ी सी आधा गिलास चाय पानी, आधा गिलास पानी 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 निकालो है चारा पानी, चाय लगा तो मैं हूँ पी लेंगे यार थोड़ा। तो गाइस बन चुकी है मेरी चाय री, वैसे यार कांच के मतलब वैसे गिलास नहीं होते स्टील वाले, मतलब स्टील नहीं दूसरे वाले जो प्लास्टिक टाइप के रहते हैं वो वाले हैं, बट पहाड़ी लोगों को तो इसी में आता मज़ा,
देख रहा हूँ टीवी, क्योंकि गया नहीं कहीं, लेट ही खाया था खाना, तो इसके कारण अभी देखते हैं अगर जाएंगे कहीं तो बताएंगे। अभी लगा रहा हूँ मैं फ़ोन चार्ज, मिलते हैं आपको बाद में। गाइस अब आ रहे हैं भिंदा के साथ, ये हमारे बगल पड़ोसी हैं, अरे कोटद्वार में बगल पड़ोसी समझो, ये रही हमारी हायाबूसा, अरे ये इनकी रही हायाबूसा, और हम बैठ रहे गए वहाँ कॉलेज में, पीजी कॉलेज में, ये टंकी है, अरे पुल पे बैठ रखे हम, ये भी बैठ रहे थे, तब मिलते आपको बाद में। घर पे आ चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जस्ट आया, मतलब अभी तो नहीं आया, थोड़ी देर पहले आ गया था, आधा घंटा हो गया था, अभी बैठा हुआ था टीवी देख रहा हूँ, और ये ला रही है मैंने टकाटक, इनको खाता हूँ, तब मिलते हैं आपको तब बाद में। खाना तो दिन का ही बचा हुआ है, भात दाल मतलब भात और अंडे बचे हुए, उन्हीं को खाएंगे, तब देखते हैं, तब सुबह का प्लान देखते क्या होता, अभी मिलते हैं आपको। भाई हम फिर आ चुके हैं, अब खा रहा हूँ मैं खाना, टाइम कितना हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं, ये बचे दिन के 4 अंडे बचे हैं, इनको खाता हूँ, चावल थोड़े बचे हैं, हो जाएगा काम, वैसे फुल पेट फुल हो रहा, 4 बजे तक खाया था मैंने दिन का भी खाना, तो इसके कारण ज़्यादा भी नहीं खाया जाएगा। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यही पे, भाई ऊपर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और सॉरी हाँ अगर डेली डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई चल रही मेरी, कहीं जा भी ना, घर पे भी लेट रहे हूँ मैं, तो आपको क्या बताना है, ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट ब्लॉग में।